Gucci, I was cool. We don't talk anymore like we used to do. We don't you like it. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। तो आज मैं आप सभी लोगों के रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आ गई हूँ। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी कि मैं साड़ी ड्रिपिंग वीडियो लेके आऊँ, तो आज मैं टस्टर सिल्क साड़ी ड्रिपिंग वीडियो आप लोग के सामने लेके आई हूँ। मेरे पास ये टस्टर सिल्क साड़ी है जिसे मैं आप लोगों को टक करके दिखाने वाली हूँ, पूरी ड्रेप करके दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोग इस साड़ी को ड्रेप कर सकते हैं। बहुत ही प्लेन साड़ी है ये, आप लोग देख सकते हैं। बस इसके जो बॉर्डर हैं, साइड के बॉर्डर हैं, उन बॉर्डर पर थोड़ा सा शिमर का काम किया गया है। शिमर आप लोग जो मेरा ब्लाउज देख रहे होंगे, इस टाइप के जो होते हैं ना, सितारे टाइप के शिमर बोलते हैं, उस तरीके का इसमें काम किया गया है। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में यही शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप लोगों ने इस साड़ी को ड्रेप करना है। तो गाइज, अब मैं यहाँ पे साड़ी को टक करने जा रही हूँ, यानी कि ड्रेप करने जा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको साड़ी भी दिखा रही हूँ कि साड़ी कौन सी है। साड़ी का कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, पिस्ता कलर का है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर है। इस पे आप लोग देख सकते हैं, इसके पूरे बॉर्डर पे वर्क है, सिमर का वर्क है, जो होते हैं ना सितारे बोलते हैं जो, तो उस तरीके का इसमें वर्क है। अदरवाइज़ ये पूरी प्लेन साड़ी है। सो साड़ी को मैं सबसे पहले अपने एक राइट साइड के कॉर्नर में टक कर दूँगी, उसके बाद राउंड राउंड करके इसको अच्छे से अपने पूरे पेटीकोट में अच्छे से टक कर दूँगी। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को लो वेस्ट साड़ी पहनाना सिखा रही हूँ। मेरे को बहुत सारी रिक्वेस्ट आई रहती हैं और लोगों की शिकायत भी रहती है कि मैं उनके साथ लो वेस्ट साड़ी ड्रिपिंग वीडियो नहीं उनको दिखाती हूँ। बट गाइज, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता है और ना ही मैं लो वेस्ट साड़ी पहनती हूँ। बट आजकल काफ़ी सारे लोग लो वेस्ट साड़ी पहनना पसंद करते हैं, तो इस वजह से मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी पड़ी। अदरवाइज मैं लो वेस्ट साड़ी नहीं पहनती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसे अच्छे से टक कर लिया है और अभी मैं सबसे पहला यहाँ पे अपना पल्लू निकाल रही हूँ। क्योंकि पल्लू इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग साड़ी तो ड्रेप कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनका पल्लू छोटा हो जाता है तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए जब भी आप लोग साड़ी पहने तो सबसे पहले अपना पल्लू निकाल लें, क्योंकि इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पल्लू की कितनी लेंथ होगी। तो यहाँ पे मैंने जितना मुझे पल्लू का साइज चाहिए वो मैंने निकाल लिया है, जितनी लेंथ चाहिए वो निकाल लिया है। और अभी सबसे पहले मैं अपना जो कमर की साइड से है, जो ये एक्स्ट्रा हमारा छूट जाता है, हमेशा लूज हो जाता है, तो इसे लूज ना होने के लिए मैं यहाँ पे इसे राउंड राउंड घुमाऊंगी और राउंड घुमाने के बाद से अपने नेवल के राइट साइड में टक कर लूंगी। इसीलिए किया जाता है गाइस, ताकि हमारा जो ये कमर वाला पल्लू होता है ये लूज ना पड़े, क्योंकि काफी बार ऐसा ही हो जाता है, ये लूज हो जाता है। बट अगर आप लोग इस तरीके से इसे टक करोगे तो आपका बिल्कुल भी ये कमर वाला जो एरिया की साड़ी है ये लूज नहीं होगी। आप लोग देख सकते हैं, इतना पार्ट अब मेरे पास प्लेट्स बनाने के लिए है। अब मैं यहाँ पे प्लेट्स बनाना शुरू कर रही हूँ। प्लेट्स भी मैं अपने जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, तीन फिंगरों के अंदर मैं प्लेट्स बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरे से दो फिंगर के अंदर प्लेट्स नहीं बन पाती हैं। काफ़ी लोगों की मुझे ये भी कमेंट्स आए थे कि आप छोटे प्लेट्स बनाते हैं, क्योंकि अगर हम तीन फिंगर में प्लेट्स को बनाते हैं तो उसमें हमारे जो प्लेट्स हैं वो छोटी आती हैं। बट अगर हम अपना फ्रंट और लास्ट वाला जो फिंगर होता है उसके बीच में प्लेट्स बनाते हैं तो वो प्लेट्स थोड़ी चौड़ी होती हैं। तो काफ़ी मुझे ऐसी रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप छोटे प्लेट्स ना बनाएं, बट मेरे से बड़ी प्लेट्स बिल्कुल नहीं बन पाती हैं और ना ही मैंने कभी बनाई हैं। मैं छोटी ही प्लेट्स बनाती हूँ, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, तो उसी तरीके का मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को छोटी प्लेट्स बनाना पसंद नहीं है तो आप लोग बड़ी प्लेट्स बना सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने अपना फ्रंट और अपने सबसे आगे वाला फिंगर और सबसे पीछे वाले फिंगर का यूज़ करना है और उस तरीके से आप लोग अपनी बड़ी प्लेट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी प्लेट्स बन चुकी हैं और इसे मैं अभी यहाँ पे सेट कर रही हूँ। इस साड़ी में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, जो इसका नीचे बॉर्डर है वो थोड़ा सा होता है ना हार्ड, जैसे बुकरम टाइप होता है। बुकरम देखा होगा आप लोगों ने, अगर कोई सिलाई करता है तो बुकरम का जो होता है उस तरीके का इसका नीचे से हार्ड था, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा नीचे से इसे सेट करना पड़ा, नहीं तो ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से इसकी प्लेट्स बन गई थी। तो देख सकते हैं आप लोग, ये बिल्कुल सेट हो चुकी है, प्लेट्स हमारी बहुत अच्छे तरीके से बन चुकी है। प्लेट्स को सेट करने के लिए यहाँ मैं सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ।
आप लोग चाहें तो जब आप प्लेट्स को पेटीकोट के अंदर टक करते हैं तब भी आप लोग उससे एक पिन अंदर से लगा लीजिए, बट कई लोगों को दिक्कतें होती हैं, नहीं अच्छा लगता है। तो जैसे मैं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बाहर से ही इस पे जहाँ से हमारी प्लेट्स हैं वहीं पे मैं इसे टक करना पसंद करती हूँ। अदरवाइज आप लोग चाहें तो आप लोग पहले प्लेट्स पे पिन लगा लीजिए, उसके बाद उसे पेटीकोट के अंदर टक कर लीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे जो प्लेट्स हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से बन चुकी हैं। अब बारी आती है शोल्डर प्लेट्स की। तो यहाँ पे पल्लू बनाने के लिए मैं सबसे पहले इसे अच्छे से सेट करूँगी, और मुझे इसमें जो सबसे अच्छा लगा वो यही लगा कि जो मेरे शोल्डर का प्लेट्स थी वो एकदम परफेक्ट आ गए थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता ही दिया है ये बॉर्डर वाला, इसका जो बॉर्डर है थोड़ा हार्ड था, तो एकदम सेट अच्छे तरीके से ये आ गया था। तो अभी मैं इस यहाँ के प्लेट्स को भी बीच से सेट करूँगी ताकि जो मेरी प्लेट्स हैं वो ख़राब ना दिखें, एकदम सेट हो जाएँ। तो मैं बॉर्डर टू बॉर्डर इसे ले रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं से जो ये मेरा लेफ्ट साइड से है यानी कि जहाँ से हमारा पल्लू स्टार्ट होता है उसे थोड़ा सा टाइट करूँगी, क्योंकि काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा इस साइड से हमारा पल्लू लूज़ हो जाता है, तो मैं इसे थोड़ा सा टाइट करूँगी ताकि ये लूज़ ना हो। तो सेफ्टी पिन से मैंने इसे सिक्योर कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से ये प्लेट्स बन चुकी हैं। और नीचे जो आप लोगों को कमर वाला एरिया का जो साड़ी है, जहाँ से हमेशा हमारी साड़ी लूज़ हो जाती है, वो जो मैंने तरीका आपको बताया था जो राउंड करके हमने सबसे पहले प्लेट्स बनाने से पहले टक करना है, तो उस तरीके से ये हमारा जो कमर वाला साड़ी है वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं हुई है, परफेक्टली लगी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, परफेक्ट तरीके से मैंने ये साड़ी पहन ली है। अगर आप लोगों के पास भी ऐसी साड़ी है तो आप लोग इस तरीके से इस साड़ी को टक कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है, ज़्यादा तामझाम बिल्कुल भी नहीं है, ईजी तरीके से आप लोगों ने करना है। तो गाइज ये थी आज की मेरी वीडियो, कैसे आप लोग टर्सर सिल्क साड़ी को ड्रेप कर सकते हैं वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो गाइज तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।